एमएक न्यूज चैनल देख रहे सभी दर्शकों को एक बार फिर जोरदार स्वागत है। इस वक्त की खबर आपको बता दें कि बलरामपुर से आ रही है। बलरामपुर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। आइए एक बार पूरी खबरों पर नजर डालते हैं। बलरामपुर जिले में ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस वह मनाया गया है। उसी उपलक्ष्य से वह उन्होंने भारत की एकता अखंडता के लिए वह जितना भी वह महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसको याद करने के लिए रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। और प्रातः 8 बजे के लिए रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें पुलिस अधीक्षक बलरामपुर देव रंजन वर्मा के द्वारा ही हरी झंडी दिखाकर दौड़ प्रारंभ हो गई है। और इसी दौरान अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्रा क्षेत्र अधिकारी व नगर क्रमवीर सिंह क्षेत्र अधिकारी व रतलोला मनोज यादव और कुमारी निरीक्षण कोतवाली नगर के देहात तथा वह अन्य पुलिस के अधिकारी एवं वह कर्मचारी गण भी भारी संख्या में स्थानीय लोग दौड़ में भाग लिए हैं। और वही पर सुबह से समय में से रन फॉर यूनिटी के लिए वह और वह बाद में दोपहर के समय पुलिस अधीक्षक बलरामपुर देव निरंजन के वर्मा के द्वारा ही पुलिस ऑफिस के लिए वह लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरित्र पर वह माला प्रण के लिए प्रख्यात राष्ट्रीय एकता अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भी और वह स्वयं ही वह समर्पित करने के और वह देशवासियों के बीच में यह संदेश फैलाने तथा देश के लिए आंतरिक व सुरक्षा सुनिश्चित करवाने के लिए अपना योगदान करने की शपथ ली है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिवस मनाया जाता है और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए जितना महत्वपूर्ण योगदान दिया उसको याद करने के लिए पूरे देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था। हर जनपद में सुबह के समय दोपहर में शपथ ग्रहण समारोह था और शाम को उनके योगदान को हम लोग याद करते हुए जितनी भी यूनिफॉर्म फोर्सेज हैं वो सब मिलजुल करके मार्च पास्ट निकालेंगे। तो जनपद बलरामपुर में भी आज स्थान पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी यहाँ के निवासियों ने और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। 11 बजे सभी पुलिस कार्यालयों में थानों में पुलिस ऑफिस में वहाँ पर शपथ ग्रहण का समारोह हुआ है और शाम को 5 बजे हम लोगों ने मार्च पास्ट का आयोजन किया है, जिसके अंदर पुलिस के जवान रहेंगे, एसएसबी के जवान रहेंगे, होमगार्ड्स रहेंगे, एनसीसी के कैडेट्स रहेंगे और पुलिस कार्यालय से ये मार्च पास्ट शुरू होकर के वीर विनय चौराहे पर समाप्त होगा। तो ये जो गतिविधियाँ आज की जा रही हैं इसका उद्देश्य ये है कि इन गतिविधियों के माध्यम से एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें और जो उनका संदेश है देश की एकता और अखंडता के लिए जो उन्होंने प्रयास किया उसको हम लोग जन जन में प्रसारित कर सकें। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए